Hello everyone. So today's video is about the recent notification which has been released for SSC Constable Recruitment 2022. So in this video we would be discussing in brief about this notification. जैसे कि आपके लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन से इस ईयर के नोटिफिकेशन में थोड़े से चेंजेस आए हैं. सो उन दो तीन मेन पॉइंट्स को वी वुड बी डिस्कसिंग. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So, as you can see, the last day for your form submission is 30th November 2022. And the number of posts for this year is 24,369. And accordingly, your male number of posts and your female number of posts is this. Okay? So, you can check this number. And at the same time, jo different paramilitary forces mein aapko jo recruitment milega, उसका भी मैं आपको लिस्ट दिखा देती हूँ. सो आप उसके मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग यू कैन चेक द नंबर्स इन एनी फोर्स विच यू आर इंटरेस्टेड इन. जैसे कि फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर कि द नंबर ऑफ पोस्ट विच आर गिवन इन बीएसएफ एंड सीआरपीएफ दे आर मोर एज कंपेयर टू द अदर वन. लाइक सीएसएफ में थोड़े से कम है, एसएसबी में, आईटीबीपी में, उसके बाद ए असम राइफल में थोड़े से ठीक ठाक हैं, एसएसएफ में एंड एनसीबी में. अभी तक ये जो ब्लैंक आप देख रहे हो, दैट मींस द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैज बीन गिवन, बट हाउ मेनी फॉर वुमेन एंड हाउ मेनी फॉर मेल इट हैज नॉट बीन मेंशन प्रॉपरली. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस सेक्शन इज ब्लैंक. ठीक है, बट बाकी मैं आपको सारा दिया हुआ है अकॉर्डिंगली, सो यू कैन चेक दिस आउट. ठीक है, एट द सेम टाइम the most important thing about this post, this notification is, इस साल जो आपकी आपका जो post दिया गया है इस साल वाले में, they have given you extra 3 years of age relaxation. ठीक है, so what do we mean by extra 3 years of age relaxation? So I would try to make you understand here. So as we can see, यहाँ पे age limit है 18 to 23 age तक. ठीक है, so this is for general categories 18 to 23 age. ठीक है, सो एट द सेम टाइम आपका एस सी और एस टी के लिए एक्स्ट्रा, ये जो 23 है उससे एक्स्ट्रा वी हैव प्लस 5 ईयर. सो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 18 टू 28. ठीक है, तो 18 से 28 ये जो आपके दो कैटेगरीज हैं. ठीक है, सो सॉरी, तो ये आपका 23 है, तो यहाँ पे बढ़ के कितना हो जाएगा प्लस 3, 26 एज फॉर जनरल कैटेगरीज. ठीक है, एंड 28 एज फॉर योर 28 प्लस 3 इज फॉर योर 31 फॉर एस सी एंड एस टी. ठीक है, एंड ओबीसी के लिए आपका हो जाएगा 29. ठीक है, सो आई होप यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा है. 18 टू 23 जो है वो आपके जनरल कैटेगरी के लिए है, तो उसमें 3 साल आप अगर प्लस करोगे तो आपका हो जाएगा 26. दोज पीपल हु बिलोंग टू दिस कैटेगरी दे कैन अपियर दिस एग्जाम टिल द एज ऑफ 26. एंड प्लस एट द सेम टाइम जनरली इससे पहले भी जब ये नोटिफिकेशन नहीं आया था तब भी आपके जो एस सी एस टी कैटेगरी थे उनके पास एक्स्ट्रा 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन था, प्लस 3 ईयर्स का इस साल और मिल गया है, तो इस वजह से उनका हो गया है 31 एज तक. ठीक है, उसी तरीके से आपके ओबीसी का हो जाएगा 29. ठीक है, सो ये आपका इम्पॉर्टेंट चेंज था इस साल के नोटिफिकेशन में. प्लस एट द सेम टाइम वी हैव लिटिल बिट चेंज, दे हैव ऑल्सो चेंज द पैटर्न ऑफ योर एग्जाम. ठीक है, जैसे कि आई विल मेक यू अंडरस्टैंड हियर, सो यू कैन रीड दिस फॉर्म. यहाँ पे भी पॉज करके आप वीडियो को पॉज करके इस फॉर्म को आराम से पढ़ सकते हो जो यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जाम फॉर दिस ईयर. जैसे कि आपका पैटर्न लास्ट ईयर तक क्या था, यू यूज टू गेट 100 क्वेश्चन फ्रॉम ईच इन टोटल, राइट? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका कितना होता था, 100, एंड ईच सेक्शन से आपके पास 25 क्वेश्चन आते थे, 25 25 एंड 25 करके. ठीक है, सो एंड इन ईच क्वेश्चन आपका कितना मार्क्स का होता था, 1 मार्क्स का. ठीक है, एट द सेम टाइम इसमें नेगेटिव मार्क्स कितना होता था आपका, 0.25, एंड आपका आपको टाइम अलॉट किया जाता था 1 आवर एंड 30 मिनट्स. ठीक है, 30 मिनट्स आपको अलॉट किए जाते थे. बट इस साल का आपका थोड़ा सा इसमें पैटर्न में चेंज हुआ है. यू विल बी गेटिंग टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वुड बी 80. ठीक है, आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 80, मतलब आपके 20 क्वेश्चन दे हैव रिड्यूस. ठीक है, तो आपके ईच सेक्शन से यू विल बी गेटिंग क्वेश्चन 20 ईच फ्रॉम ईच सेक्शन. ठीक है,
एंड व्हाट इज द अदर चेंज इज कि आपका जो ईच नंबर ऑफ क्वेश्चन है दैट वुड बी ऑफ 2 मार्क्स, ठीक है? 2 मार्क्स है तो इसका नेगेटिव कितना हो जाएगा आपका? 0.5, ठीक है? इट इज सेम, 1 में 0.25 एंड 2 में 0.5, ठीक है? हाफ मार्क्स आपके रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है? एट द सेम टाइम यहाँ पे जो आपको टाइम अलॉट किया जाएगा टू सॉल्व दिस 80 क्वेश्चन वुड बी 60 मिनट्स, मतलब आपको 1 घंटे में ये 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? ओके, सो व्हेन दे विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एंड द नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन, सो मेक श्योर कि आपका ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो लेवल हो जाएगा दैट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट, ठीक है? सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐसे जनरलाइज करके आपको नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ा सा फोकस करके पढ़ना है, जिसमें आप ये भी देख सको कि लास्ट ईयर में क्या क्वेश्चन आया था, ठीक है? उस अकॉर्डिंग यू हैव टू मेक वन लिस्ट एंड यू कैन मेक वन लिस्ट, ठीक है? यू हैव जस्ट 60 डेज और इन टोटल यू हैव 2 मंथ फॉर दिस एग्जाम, राइट? सो प्लीज थोड़ा बहुत लेवल ऑफ क्वेश्चन एंड लेवल ऑफ प्रिपरेशन तो आप थोड़ा सा अपना बढ़ाइए, सो दैट कि आपका ये जो क्वेश्चन है यू कैन इजिली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है? एंड वेन एवर यू अपियर फॉर एनी एग्जाम, द फर्स्ट थिंग वट यू डू इज यू डाउनलोड योर सिलेबस, ठीक है? सो आई वुड सजेस्ट टू ऑल दी एस्पिरेंट्स दैट प्लीज डाउनलोड योर सिलेबस एंड चेक ईच एंड एवरी लाइन ऑफ योर सिलेबस, ठीक है? वेदर इट्स फॉर इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है? आपको सारे के सारे जो सिलेबस है उसको प्रॉपरली देखना है, सो दैट कि यू कैन उसको थोड़ा सा आप कन्फाइन कर सको, क्योंकि 30 डेज में सारा चीज़ पढ़ना इज नॉट सॉरी 60 डेज में सारा चीज़ पढ़ना इज नॉट पॉसिबल. सो वट यू कैन डू इज कंसाइज, मेक कंसाइज अपना सिलेबस. आप अपना सिलेबस को पहले डाउनलोड कर लो, फिर मेक योर कंसाइज सिलेबस एंड अकॉर्डिंगली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ यू कैन मेक वन लिस्ट ऑफ एनी टॉपिक विच इज रेगुलर, थोड़ा सा रिकरिंग इन नेचर है, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट. प्लस एट द सेम टाइम दिस वीडियो इज जस्ट फॉर डिस्कसिंग द नोटिफिकेशन जो अभी रिसेंटली आया था, बट इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोज वी वुड बी ट्राई टू गिव यू सम ऑफ द आइडिया कि आपके एग्जाम पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं फॉर योर इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग सबके लिए, सो दैट कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो सके एग्जाम से पहले कि आपके पास क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, ठीक है? ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट योर क्वेश्चन ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.